नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 13 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। उद्योग विभाग में 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 इकाइयां मंजूर, 755 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि विभाग ने राज्य स्तरीय समिति की 8वीं बैठक में 33 नए मामलों को स्वीकृति दी है। इनमें 11 औद्योगिक और 22 पर्यटन इकाइयां शामिल है। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग ने 20.25 करोड़ रुपए का उपदान दिया है। इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निदेशक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। मुफ्त नहीं होगी अटल टनल की सैर, बीआरओ स्थापित करेगा टोल प्लाजा। सीमा सड़क संगठन देश में पहली बार किसी हाईवे पर अपना टोल प्लाजा स्थापित करने जा रहा है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी यातायात सुरंग अटल टनल रोहतांग से गुजरने से पहले पर्यटन वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। स्थानीय लोगों से वसूली पर अभी फैसला नहीं हुआ है। टनल के साउथ पोर्टल में धुंधी के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा। बीआरओ की अटल टनल परियोजना ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। बीआरओ को इस गर्मी के सीजन में इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि अटल टनल के रखरखाव में रोजाना लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है। टनल का रखरखाव लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लिहाजा सरकार का बोझ कम करने के लिए बीआरओ ने साउथ पोर्टल पर टोल प्लाजा स्थापित करने की योजना बनाई है। हिमाचल में 4 और संक्रमितों की मौत, 409 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। प्रदेश में शनिवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से शिमला में 2, कांगड़ा और मंडी में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 409 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 551 ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना की जाँच के लिए 7,166 सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 4,062 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 3,899 है। वहीं प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण दर में 6% की कमी आई है। पहले प्रदेश में दर 20% थी, अब ये घटकर 14.1% रह गई है। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया बोले, नई खेल नीति से संवरेगा खिलाड़ियों का भविष्य, ग्रामीण प्रतिभाओं को भी मिलेगी विशेष पहचान। वन युवा सेवा एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बासा पंचायत के नगलाहाट गांव में स्थानीय यूथ क्लब द्वारा आयोजित करवाई जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल तथा पंजाब की 15 टीमें भाग ले रही है। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से जहां हमारा शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, वहीं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के जोर दिखाने का भी बेहतर अवसर मिलता है। प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य में स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई खेल नीति जहां खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में मददगार होगी, वहीं छुपी हुई ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अपनी खेल कला के प्रदर्शन से पहचान करवाने का मौका मिलेगा। कैबिनेट की 14 फरवरी को प्रस्तावित बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को होने जा रही बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई दिल्ली जाएंगे। बीते वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने से पहले सीएम जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्रालय से केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं पर स्थिति साफ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट कर सकते हैं, उनसे संगठन के मसलों पर भी मंत्रणा कर सकते हैं। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। करीब 1 बजे बैठक खत्म होने की संभावना है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य सचिवालय में कनाडा के काउंसिल जनरल से मिलेंगे। 3 बजे भी शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले, महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस वचनबद्ध। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण के टुट्टू ब्लॉक के बनटिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक की 90 महिला मंडलों ने हिस्सा लिया।
सम्मेलन में सांसद प्रद्युम्न सिंह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक आशा कुमारी विशेष रूप से शामिल हुई। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं का अहम योगदान होता है, इसलिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया और 2022 के आम विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और सरकार 4 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे में विफल साबित हुई है। उपभोक्ताओं को राहत, हिमाचल में मार्च से सरकारी राशन डिपो में और सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के बीपीएल राशन उपभोक्ताओं को मार्च से रिफाइंड तेल 11 रुपए और एपीएल को 13 रुपए सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड का टेंडर फाइनल कर दिया है। फाइनेंशियल बिड में अडानी कंपनी का रेट सबसे कम 131.91 रुपए आया है। इस पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। एपीएल उपभोक्ताओं को रिफाइंड 122 रुपए जबकि गरीब परिवारों को 104 रुपए मिलेगा। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को डिपो में रिफाइंड 135 रुपए और बीपीएल को 115 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा है। 25 फरवरी के बाद अडानी कंपनी रिफाइंड की सप्लाई शुरू कर देगी। मार्च से उपभोक्ताओं को ये मिलना शुरू हो जाएगा। जेवीटी और सीएनबी के अंतर जिला तवालों का मसला कैबिनेट बैठक में होगा हल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेवीटी और सीएनबी शिक्षकों के अंतर जिला तवालों से प्रभावित हो रही नियमितकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठ तक को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पद भरने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की संस्तुति पर 4,000 पद भरने के फैसले को वापिस ले लिया है। अब सभी 8,000 पद भर्ती नियमों के तहत भरे जाने हैं। इसके अलावा पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को लेकर भी बैठक में फैसला होगा। शिक्षा विभाग ने 3री से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से स्कूलों में बुलाने का प्रस्ताव दिया है। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की सिफारिश की गई है। दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने पर डीजीपी ने थपथपाई पुलिस की पीठ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। सोलन परमाणु राजमार्ग पर कोटी में रेलवे सुरंग 10 के पास सड़क किनारे 2 महिलाओं के शव चादरों में लिपटे मिले थे। 2 फरवरी को इसका मामला थाना परमाणु में दर्ज है। डीजीपी संजय कुंडू ने ये मामला सुलझाने के लिए सोलन पुलिस की सराहना की है। एसपी सोलन ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। कुठैल अड़ पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुठैल अड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व शिमला ग्रामीण क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास का मुद्दा चुनावों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विकास जनता की सुविधाओं व जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। सीएम ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने हर दिन काम किया है। भाजपा सरकार ने उनकी सरकार की तरह जाते जाते घोषणाएं व शिलान्यास नहीं किए बल्कि धरातल पर काम करके दिखाया है। रक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। देश की 56 छावनियों में बोर्ड का 6 माह बढ़ाया कार्यकाल। देश की 56 छावनी बोर्ड के चुनाव फिर टल गए हैं। रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार इनका कार्यकाल आगामी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद 7 फरवरी को भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 7 छावनी क्षेत्र है। जानकारी के अनुसार देश में 62 छावनी क्षेत्र है। इनमें से 56 छावनी परिषदों में बैरेट बोर्ड का कार्यकाल 10 फरवरी को खत्म हो गया है। कार्यकाल खत्म होने पर रक्षा मंत्रालय की ओर से फिर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी हिमाचल में एमबीबीएस की दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर रोक। हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस के दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऑल इंडिया स्तर पर चल रही दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि बढ़ने के चलते प्रदेश की दूसरे राउंड की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी नेहर चौक में नई तिथि निर्धारित करने के लिए अब सोमवार को निर्णय लिया जाएगा।
वेदर अपडेट। हिमाचल में 15 और 16 फरवरी को बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में दो दिनों से अच्छी धूप खिली हुई है और लोगों को दिन के समय सर्दी से राहत मिल रही है। धूप खिलने से शीतलहर का प्रकोप भी कम हुआ है, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है, जिससे बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 15 व 16 फरवरी को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश के मैदानी भागों में आगामी 16 फरवरी तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है, लेकिन मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय इलाकों में 15 और 16 फरवरी को बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य की उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं व जनजातीय क्षेत्रों में बर्फ गिरने की प्रबल संभावना है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बागवानी। हिमाचल के बागवानों को उद्यान विभाग देगा 55,000 अमेरिकन सेब के पौधे। उद्यान विभाग का थियान बाग फार्म प्रदेश के बागवानों को जल्द सेब की अमेरिकन वैरायटी के 55,000 पौधे उपलब्ध करवाएगा। एक पौधे की कीमत 400 रुपए होगी। फार्म में ग्राफ्टेड प्लांट्स की लगभग 15 किस्में बिकने के लिए तैयार है। अभी लगभग 20,000 से अधिक पौधों की मांग विभाग के पास आ पहुंची है। स्थानीय बागवानों को विभाग प्राथमिकता पर मांग के मुताबिक पौधे देगा। प्रदेश के अन्य जिलों के बागवानों को भी पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। करीब 2 सप्ताह पहले विभाग ने ये पौधे बेचने की तैयारियां पूरी की है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी से बिक्री का कार्य रुका था। मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, सड़कों पर आ चुकी है कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को शक्तिपीठ ज्वालामुखी में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और माँ का आशीर्वाद लिया। मंदिर न्यास ज्वालामुखी ने माता की तस्वीर और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। शहर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई और सड़कों पर आ गई है। इसका प्रमाण धर्मशाला प्रकरण है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान समय में ना तो कोई नीति और ना ही कोई नियत है। आने वाले समय में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने आम जनता के लिए जो योजनाएं शुरू की है उसका पूरा देश लाभ उठा रहा है। जिला बनाने की भी जो बात कही जा रही है, 4 जिला जो बनाने की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर आप मंत्री आप कुछ कहना चाहेंगे उस बात पर? देखिए, सोशल मीडिया पर मैंने भी देखी है खबर, वो तो फेक न्यूज है। अब किसने डाली है ये तो डालने वाले को ही मालूम होगा या इन्वेस्टिगेट जो करेंगे उनको मालूम होगा, लेकिन इस प्रकार की जो है झूठी अफवाहों पर जो है वो किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए।